रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सना आमिर। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के स्पेशल कोफ्ते की रेसिपी। तो यहाँ पर दही लिया हमने 4 टेबल स्पून और इसके अंदर हम कुछ मसाले ऐड कर देंगे। पिसा धनिया लिया हमने 1.5 टेबल स्पून, पीसी मिर्चें लिए 1 टेबल स्पून और यहाँ पर हमने हल्दी पाउडर लिया 1/2 टीस्पून, नमक लिया 1 टीस्पून यह हसबे ज़रूरत, और लौंगे लिए यहाँ में हमने 4 से 5, ये इसमें ऐड कर देंगे दही के अंदर। और ये तमाम मसाले डाल के इसको अच्छे से मिक्स करना है। बहुत ही सिंपल और आसान रेसिपी के साथ आज के कोफ्ते बनेंगे। और ये देखिए यहाँ पर ये हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे हमने 1/2 कप ऑयल लिया है और ऑयल को गर्म कर लिया है। अब इसमें ऐड कर देंगे हम 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको डाल के थोड़ा सा भूनेंगे। हम आज पहले मसाला रेडी कर रहे हैं ताकि मसाला हमारा पकता रहेगा, फिर हम बाकी कोफ्ते बनाएंगे। अब इसके अंदर ऐड कर देते हैं हमने जो दही के अंदर सारे मसाले मिक्स करके रखे थे, वो इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्लेम हमने लो किया हुआ है और हल्की सी आंच पे इन मसालों को भूनना है। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, इतने ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पे मसाला हमारा जो है वो भून गया है। अब यहाँ पर हमारे पास है प्याज और टमाटर का पेस्ट। हमने 1 बड़े साइज़ की प्याज लेकर और 3 मीडियम साइज़ के इसमें टमाटर डाल के इनको पीस लिया था थोड़ा सा पानी डाल के, और ये अब हम इस मसाले में ऐड कर देते हैं ताकि जब तक हम कोफ्ते अपने रेडी करेंगे तो ये मसाला बहुत अच्छे से भुन जाए। और कवर कर देते हैं, मीडियम फ्लेम पर इसे पकने के लिए रख देंगे। अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं, ये देखिए हमारा बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पर मसाला रेडी हो रहा है। अच्छे से इसको मिक्स कर लें, मसाला जलने नहीं पाए, बार बार चेक करते रहना है। ये रेडी होगी, बस अब हम कोफ्तों की तरफ आते हैं। यहाँ हमने कीमा लिया हुआ है मशीन का, बारीक कीमा 1/2 kg, इसको धो के वॉश कर लिया है। और यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून भरकर। इस पे जाएगा दही 3 टेबल स्पून दही, यहाँ पे हमने लिया चने का पाउडर, या आप अगर आपके पास चने का पाउडर नहीं है तो आप बेसन ले सकते हैं 1 टेबल स्पून, ये इसमें डाल देंगे। और यहाँ पे अब इसमें कुछ मसाले ऐड कर देंगे, नमक लिया हमने 1/2 टीस्पून और गरम मसाला पाउडर लिया हमने 1 टीस्पून, पीसी मिर्चें लिए 1/2 टीस्पून और ज़ीरा पाउडर लिया 1/2 टीस्पून और सौंफ का पाउडर लिया 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून। ये तमाम चीज़ें इसके अंदर ऐड कर देंगे। हल्दी डालने से कोफ्तों की शक्ल जो है वो अच्छी आती है। और 2 हमने ब्रेड के स्लाइस लिए हैं, इनको हल्के से पानी में डाल के फिर इसके अंदर मिक्स करेंगे। और यहाँ हमने लिए 1 अनियन, 1/2 बड़े साइज़ का प्याज, 3 हरी मिर्चें और आधी हमने गड्ढी हरे धनिया के लिए, और अदरक लिए 1 बड़ा टुकड़ा, और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से ग्राइंडिंग जार में डाल के पीस लेंगे। ये देखिए यहाँ पे मसाला हमने अच्छे से पीस लिया। सबसे पहले हमने कीमे में मसाले डाल के पीसा, उसके बाद जो हरा मसाला और प्याज वगैरह ली थी वो डाल के चॉपर में उसको चलाया, फिर सारी चीज़ें इकट्ठा करके पीस ली। तो ये हमारा अच्छा सा सॉफ्ट सा हमारे पास यहाँ पे रेडी हो गया कीमा, बहुत अच्छा बना था। अब हम थोड़ा सा हाथों पर पानी लगाएंगे और इनकी गोल सी बॉल्स बना लेंगे, दबा दबा के आपको बनाना है ताकि ये टूटे नहीं। अगर आप इनको ऐसे हल्के हल्के बनाएंगे तो फिर ये टूट जाती हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छे ज़बरदस्त किस्म के यहाँ पे हमारे सॉफ्ट कोफ्ते बनकर रेडी हो जाएंगे। ये देखिए हमने सब बना लिए हैं यहाँ पर। अब ये जो हमने मसाला रेडी किया है ये कोफ्ते इसके अंदर ऐड कर देंगे एहतियात के साथ। दोबारा से हल्का हल्का सा इनको आप शेप दे लें, क्योंकि हाथ में लेने से शेप थोड़ा सा बिगड़ जाता है। चाहें तो आप थोड़ी देर के लिए इसको फ्रिज में रख दें, लेकिन यहाँ मैंने डायरेक्ट ही डाल दिए हैं बस बनाते ही। ये देखें, और मीडियम फ्लेम किया हुआ है, और बिल्कुल भी इसमें चमचा नहीं चलाना है आपको, क्योंकि अभी सॉफ्ट होते हैं। ये देखें ये अभी ऐसे ही पक रहे हैं, और बस इनको उठा के देखिए यहाँ से हिलाना है इस तरीके से। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बने थे, ये देख सकते हैं आप, बहुत ही प्यारी शक्ल आई है। तकरीबन 10 से 12 मिनट ऐसे ही बनेगा। अब इसमें ऐड कर देंगे हम हरी इलायची का पाउडर 1/2 टीस्पून, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इससे। और ऐड कर देंगे आप पानी 1 कप के करीब, ताकि कोफ्ते इसमें अच्छे से पक जाएं अंदर तक, और मसाला जो ग्रेवी हमारी अच्छे से रेडी हो जाए। और फिर हिला दिया हमने चमचा, देखें अभी तक हमने यूज़ नहीं किया यहाँ पर। बस यही छोटी छोटी सी ट्रिक्स होती हैं
कोफ्ते बनाने की। और पानी डालने के बाद इसे कवर करके तकरीबन 30 मिनट के लिए हम दम पर रख देंगे। यहाँ पे माशाल्लाह 30 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए हमारे कोफ्ते बेहतरीन किस्म के रेडी हो गए। अब इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्च, ऑप्शनल है, थोड़ा अच्छा लुक आता है और हमें पसंद बहुत है। और यहाँ पे डाल देंगे धनिया के पत्ते और यहाँ पर हम आपको अब चेक करके दिखाते हैं कि कितने सॉफ्ट बने माशाल्लाह से, ताकि आपको खुद पता चल जाएगा। ये देखिए हमने थोड़ा सा निकाल लिया है, एकदम गरम गरम आपके सामने, अब चमचे की मदद से ये देखें माशाल्लाह। और ये देखें सिर्फ उंगली के एक इशारे पर ये टूट रहे हैं, ये देखें बहुत ही माशाल्लाह सॉफ्ट और ज़बरदस्त इजी रेसिपी के साथ ये कोफ्ते बनकर रेडी हुए हैं। रेसिपी अच्छी लग रही तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच सकें। बस अभी से डिश आउट कर लेते हैं। यहाँ पर बेहतरीन किस्म के कोफ्ते हमारे रेडी हैं। मेरे तरीके से रेसिपी को ट्राई जरूर कीजिएगा और इंशाल्लाह आप दाद वसूल करेंगे। आसान और सिंपल रेसिपी, कोई हमने इसमें खशखाश यूज नहीं किया है और कुछ एक्स्ट्रा हमने यूज नहीं किया, बहुत ही आसानी के साथ बनने वाले और माशाल्लाह टूटे भी नहीं है, आपके सामने ही रेडी हुए हैं ये कोफ्ते और एकदम सॉफ्ट। और रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा मुझे, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। ये देखिए यहाँ पे बस हमने डिश आउट कर दिया है, ऊपर से थोड़ा सा हमने यहाँ पे धनिया के पत्ते डाल दिए हैं।